कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है क्षेत्र वृत्ति। क्षेत्र वृत्ति के बारे में पिछली कक्षाओं में अध्ययन कर चुके हैं, जैसे आयत का परिमाप, आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल। इसी के अंदर अब सबसे पहले हम ले रहे हैं परिमाप, यानी परिमाप किसे कहते हैं। किसी बंद आकृति के चारों ओर की दूरी परिमाप कहलाती है। किसी बंद आकृति के चारों ओर की दूरी परिमाप कहलाती है। ऐसा समझ लीजिए जो बंद आकृति आपको दे रखी होगी उसकी सभी भुजाओं का योग। अब इसको आपको परिमाप को समझना है। जैसे मान लीजिए मैंने एक वर्ग की आकृति बनाई, यानी इसको नाम दिया ए, बी, सी और डी। अब हमें इसका बताना है कि परिमाप, तो परिमाप क्या होता है। देखिए ए से शुरू हुआ हमारी लंबाई, अब यहाँ से ए से बी आया, यानी ए से बी की तरफ, बी से सी की तरफ, सी से डी की तरफ और डी से ए की तरफ। तो इसकी जो चारों ओर की कुल लंबाई होगी वह आकृति का क्या होता है, परिमाप होता है। जैसे अब लिखकर बताऊं मैं आपको, यानी आकृति का परिमाप, पहले ए बी जो भी इसकी लंबाई होगी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, यानी इन चारों लंबाइयां जो जुड़ेगी और जुड़ने पर जो आता है वह इसका परिमाप कहलाता है, वह इसका परिमाप कहलाता है। ठीक है, अब प्रत्येक आकृति का अपना अपना सूत्र है, अपने अपने माप हैं। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं वर्ग, यानी वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप, वैसे इस सूत्र तो आपको पता ही है, फिर भी आप समझ लीजिए। वर्ग क्या होता है, ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। अगर ये चार सेमी है तो ये चार सेमी होगा सारा, यानी चारों भुजाएं चार सेमी, नाम हो गया ए बी सी बी। अब हमें इसका अगर परिमाप ज्ञात करना हो तो हम क्या करते हैं, चारों भुजाओं का योग कर सकते हैं। यानी ए बी में लिखकर बताया अभी आपको, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस बी ए, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस बी ए। अब चारों भुजाओं का माप चार चार सेमी है, तो चार प्लस चार प्लस चार प्लस चार, इनको जब जोड़ेंगे तो चार चार आठ, चार बारह, चार सोलह सेमी, यानी ये क्या निकला आपका, परिमाप निकल गया। क्या निकल गया, परिमाप। अब इसको इतना बड़ा ना करके अगर इसको हम सूत्र को संक्षेप के अंदर लिखें तो आपको ध्यान क्या रखना है कि इसके अंदर भुजाएं कितनी होती है, चार। कितनी होती है, चार। चारों भुजों की लंबाई एक जितनी है, चार 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 चार। तो हम इसको कर देंगे चार इंटू एक भुजा की लंबाई, एक भुजा की लंबाई। तो चार किसका लिखा हमने, चार भुजाओं के कारण यहां पर आया चार। अब चारों समान है तो एक भुजा की लंबाई ले ली हमने चार, गुणा करेंगे तो सोलह। क्या निकलेंगे, सोलह। तो हमारा जो सूत्र बनता है इसका वो है चार इंटू भुजा की लंबाई, चार इंटू भुजा की लंबाई, जो आपको ध्यान में रखना है। अब इसी का अंदर दूसरा, अब कभी कभी सवाल में क्या होता है, परिमाप दे रखा होता है, ठीक है, और भुजाएं दे रखी हो, ये चार भुजा तो होती है, आपको उसके अंदर भुजा की लंबाई पूछी जाती है कि आयत का परिमाप 20 सेंटीमीटर है तो उस आयत की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करो। तब इसका सूत्र क्या बनता है, तब वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई, वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई। तो हम क्या करेंगे, जो भी परिमाप आपको दे रखा होगा उस परिमाप के अंदर हम चार का भाग लगा देंगे। क्या लगा देंगे,
चार का भाग लगा देंगे। चार का भाग क्यों लगाया है, क्योंकि वर्ग के अंदर चार भुजाएं होती है, हमें एक भुजा का निकालना है, तो हम चार का क्या लगा देंगे, भाग। तो आपको वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात हो जाएगी। उसके बाद में तीसरा होता है, हम लेते हैं आयत। क्या होता है? आयत का परिमाण। आयत का परिमाण, अब इसको भी समझ लीजिए। अब आयत क्या होता है? ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की लंबाई समान होती है। आमने सामने की लंबाई, यानी ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई, यानी इसके अंदर दो लंबाइयां हैं और दो चौड़ाइयां हैं। इसको अगर हम सूत्र के अनुसार इसको लिखने का अभ्यास करें, तो जैसे मैंने बताया इसकी चारों ओर की जो दूरी होती है वह इसका क्या होता है, परिमाप होता है। यानी पहले लंबाई, फिर प्लस चौड़ाई, फिर प्लस लंबाई और प्लस चौड़ाई। तो इसके अंदर देखो लंबाई और चौड़ाई के दो दो समूह बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? दो दो समूह बनते हैं। यानी आपको दो बार लंबाई लिखनी है और दो बार चौड़ाई बननी, दो बार चौड़ाई लिखनी है, तो उतना बड़ा तो हमारा काफी लंबा हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, संक्षेप में लिखने का प्रयास करें। तो इसके अंदर जैसे बताए दो जोड़े बन रहे हैं आपके लंबाई और चौड़ाई की। क्या बन रहे हैं? लंबाई और चौड़ाई के दो जोड़े। और मेन बात, आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समान होती है। मान लीजिए अगर ये चार है तो ये साइड में कितने की होगी, चार। अगर ये छह है तो ये भी कितने का होगा, छह। अगर हम सूत्र के अनुसार लिखें तो चार प्लस छह, चार प्लस छह, यानी दो दो जोड़े हो गए इसके, टोटल कितना हुआ, दस प्लस दस बराबर बीस। अब इसको लिखना कैसे, हम क्या करेंगे, इन दोनों में से एक चीज कॉमन ले लेते हैं। लंबाई जोड़े के जोड़े कितने, दो। कितने जोड़े हैं, दो। हमने इस दो को बाहर ले लिया, क्या ले लिया, बाहर, और एक जोड़ा इनमें से ले लिया प्लस का, तो लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हमारा जो मेन सूत्र जो हमें उपयोग में करना है वो है ये। हम क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद दो से क्या कर देंगे, गुणा। तो दो लंबाई हमारी चार प्लस छः, तो दो इंटू छः चार दस बीस। पहले भी हमारा बीस आया करने पर, अब भी हमारा बीस आ रहा है, लेकिन हम सामान्य तौर पर सवालों के अंदर इसी सवाल को, हल सूत्र को यूज करेंगे, दो इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हमारा आयत का जो परिमाप है उसका सूत्र होगा दो इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब आपको सूत्र समझ में आ गए होंगे किस प्रकार सूत्र बनाइए। अब यहाँ पर देखिए हम क्या बोलते हैं, दो इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लेकिन इंटू हम लिखते नहीं यहाँ पे। अगर आप इंटू यहाँ पे लिखोगे तो भी सही है, न लिखो तो भी सही है, क्योंकि जब आपको कोष्टक दे रखा हो, यानी ब्रैकेट दे रखा हो, और इससे पहले अंक के बीच में कोई सी प्रकार का कोई साइन नहीं है, तो यहाँ पर हमेशा गुणा का ही साइन लिखा जाता है। फिर अगला सूत्र हम लेते हैं त्रिभुज का, यानी सम बाहु, सम बाहु त्रिभुज का परिमाप, सम बाहु त्रिभुज का परिमाप। अब त्रिभुज पता ही आपको, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति जिसकी भुजाएं समान हो, जिसकी भुजाएं समान हो, वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। यानी तीनों भुजाएं एक ही माप की होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए ये तीन सेंटीमीटर, ये भी तीन सेंटीमीटर और ये भी तीन सेंटीमीटर, यानी तीनों भुजाएं क्या है, समान माप की है। तो जिस प्रकार समान माप का सूत्र हमने यहाँ पर बनाया था वर्ग का, क्योंकि वर्ग के अंदर में चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है, तो त्रिभुज के अंदर भी तीनों भुजाएं क्या है, समान है। तो हम क्या करेंगे, तीन भुजाएं हैं तो हमने लिखा तीन इंटू एक भुजा की लंबाई, एक भुजा की लंबाई। तो अगर एक भुजा की लंबाई भुजा है तो हमारे तीन, और एक भुजा का माप है तीन, तो तीन को तीन से गुणा करेंगे तो आएगा नौ। और अगर प्लस करके देखें
तो तीन के अंदर तीन जोड़ा छह, छह के अंदर तीन जोड़ा नौ। तो समान भुजों की बात आती है तब आपको इसी प्रकार से सूत्र का लेकर सवाल को हल करना है। तो इसका सूत्र बना तीन इंटू भुजा की लंबाई। अब नंबर पांच है त्रिभुजी, लेकिन अब विषम बाहु त्रिभुज है। क्या है? विषम बाहु त्रिभुज। अब विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है? यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, यानी कुछ भी हो सकती है भुजाएं। जैसे मान लीजिए ये तीन, ये चार और ये दो, यानी तीनों भुजों का माप अलग अलग हो गया, दो सेमी, तीन सेमी, चार सेमी। अगर भुजाएं समान होती तब तो हमारा ये वाला सूत्र बैठता। हम उस जो भी माप दे रखा होता वो लेते हैं, उसको तीन से क्या कर देते हैं, गुणा। लेकिन इसके अंदर तीनों भुजों का माप अलग अलग है, तब इसको कैसे करेंगे? तब हम क्या करेंगे, ये जो तीन भुजाएं दे रखी है इन तीनों भुजों के माप का हम योग कर देंगे, यानी ए बी, बी सी प्लस ए बी, यानी दो प्लस तीन प्लस चार, यानी तीन दो पांच, पांच और चार नौ। यानी इस आप वापस देखिए विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। अब इसको नाम दिया मैंने ए बी सी, ये दो सेमी, ये तीन सेमी और ये चार सेमी। अब जैसे मैंने बताया अगर ये समबाहु होता तब तो हम सीधा उसको तीन से गुणा कर देते भुजा की माप को, लेकिन तीनों अलग अलग हैं तो तीनों अलग अलग भुजाओं का माप ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भुजाएं आपको दे रखी है उसका योग कर देंगे। जैसे पहली भुजा ए बी, दूसरी हो जाएगी बी सी और तीसरी हो जाएगी सी ए। हो गई तीन भुजाएं। अब ये तीन, ये चार और ये दो, तो चार तीन सात, सात दो नौ सेमी। तो इसके अंदर मेन चीज आपने क्या देखी, हमने सभी भुजाओं को क्या कर दिया, योग कर दिया। क्या कर दिया? योग कर दिया। तो विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप का सूत्र क्या बना, सभी या ऐसे लिख दीजिए तीनों भुजाओं का, तीनों भुजाओं का योगफल, तीनों भुजाओं का योगफल। तो परिमाप के अंतर्गत हमने अभी पांच सूत्रों का अध्ययन किया और मैंने आपको प्रत्येक सूत्र को चित्र बना के समझाने का प्रयास किया कि कौन सा सूत्र किस वजह से बना है। वैसे आप इनके सवाल आप कर चुके हो पिछली क्लासों के अंदर, अभी आपको ये केवल सूत्र का अभ्यास करवाया मैंने और चित्रों के माध्यम से समझाया कि कौन सा सूत्र किस प्रकार बना है। कल हम इन सूत्रों के आधार पर विभिन्न प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। जब तक आप इन सूत्रों को लिखिए, इनको याद कीजिए और इनको समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।